22 मई को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है और इस आदेश में जिन बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डाला गया है कि अधिकारी और कर्मचारी को निश्चित रूप से इससे आर्थिक क्षति होगी, न केवल अधिकारी कर्मचारी बल्कि जो प्रदेश के विकास है ये विकास भी अवरुद्ध हो जाएंगे पूर्ण रूप से। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है लगभग विकास कार्य ठप हो चुके हैं और जिस प्रकार से अभी आदेश में ये दर्शाया गया है मुझे लगता है कि आने वाले साल भर में कोई काम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दिखने वाला नहीं है। इसी के साथ ही साथ जहाँ पर जो स्कूलों में पद रिक्त है, विभागों में रिक्त है, जहाँ नियुक्तियाँ होनी है काफ़ी समय से बंद है और मुझे लगता है कि इस बार विद्यार्थियों को बिना शिक्षक के ही स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ेगी। कांग्रेस के बड़े ओहदेदार नेता कुछ दिन पूर्व बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ में हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, हम किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, हम किसी प्रकार का कटौती नहीं करेंगे, लेकिन एक महीना भी नहीं हुआ है और उनके कथनी और करने जनता के सामने आ गई है। वास्तविक में सबसे बड़ी समस्या जो छत्तीसगढ़ में है वो इनकी विश्वसनीयता की है कि बात अलग करते हैं और कहते अलग हैं और इसी कारण इनके कथनी और करनी का जो अंतर है उसको देख करके लोगों का भरोसा टूटता है।